कैसे डिफाइन करते हैं इसको? अच्छा, इसके फंक्शंस तो हमने देखे थे ना कि व्हाट आर द फंक्शंस. इसमें कोई डाउट है? शायद एनी आंसर्स वी हैव फॉर दैट. हेटेरोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. Okay. Now, that is fine. So, yeah, it's heterogeneous collection of elements. Now, when we say elements, those are of different data types. That's the only reason why we say it's heterogeneous. Okay. So, let's say when we write list, those are mutable. That is, when we are writing it, we can modify it. Elements are mutable there, that means you can replace, you can add, you can subtract, you can do whatever, like any different methods what are there in list. So if we see just the directory of that data type, you can find all these. And with the help of tab, you can switch to every other detailed functions of a list. Like the beginning will be starting with adding elements, अब additions में क्या होता है? पहले तो एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं. एडिशंस हमने देखा है काफ़ी टाइम से, हमने लूप्स में यूज़ किया है तो एडिशंस देखा हुआ है. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्लैंक लिस्ट. है ना? नाउ जस्ट अ मिनट. Addition list is equals to a blank list. Now if you want to add elements to elements there, right, like let's say any such even numbers, what we do is if we want to add a single element, for a single element we use the method append. Which method? Append. That is addition of the list dot append, let's say 1, 2, whatever you are adding, let's say 5. So this is being appended. Now we can print addition list and you can check that this list only contains 5. Now for example, agar le lete hai ki we'll be adding next element here, dusra koi element add karna hai, addition list mein
अपेंड किया क्या, देन एडिशन लिस्ट में प्रिंट किया तो वी गेट 5 और 10, है ना। ऑलराइट, नाउ ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स इफ वी वांट टू असाइन, मल्टीपल एलिमेंट्स देखने हैं तो एडिशन लिस्ट डॉट एक्सटेंड, तो एक्सटेंड में एक न्यू लिस्ट आप ऐड करोगे, है ना। तो आप लिखोगे एक्सटेंड एक न्यू लिस्ट, लेट्स से 15 एंड 20 लिखने हैं, तो कर दिया हमने, साइन करना है, साइन कर देंगे, ठीक है। तो एडिशन लिस्ट में 5, 10, 15 और 20 मिल गया। ओके, अभी फंक्शंस कितने हैं, विल फर्स्ट लुक ऑन दिस, ये लिस्ट का एक ब्रैकेट्स आप बोलोगे, लिस्ट ब्रैकेट्स लगा के आप डॉट लगा के को प्रेस करना क्या है, टैब। तो यू विल सी अपेंड फंक्शन, ऐड करने के लिए यू रिक्वायर दिस, यू हैव क्लियर कॉपी काउंट एक्सटेंड इंडेक्स इंसर्ट। नाउ अभी अभी आपने कुछ नोटिस किया होगा कि व्हेन यू आर एडिंग एलिमेंट्स, एडिंग क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, लास्ट पर जा रहे हैं, है ना। एवरी एलिमेंट्स आर एडेड इन द लास्ट। तो अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हुए जिनको हमें किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर ऐड करना हो, इफ यू वांट टू ऐड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड इंडेक्स नंबर, है ना, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज अ मेथड कॉल्ड एज इंसर्ट। अब नाउ यू हैव टू राइट इंडेक्स पर्टिकुलर नंबर, लाइक जैसे आई वांट टू ऐड बिफोर 5, तो 0 पे मुझे ऐड करना है क्या, 0 ही ऐड करना है, तो एडिशन लिस्ट पे आई विल सी 0, 5, 10, 20, 15 और 20, सिंपल। कॉमन डिफरेंस या नॉर्मल रेंज या इंटरवल ले ले लिस्ट का, तो इसका इंटरवल आपको इजीली मिल जाएगा, राइट। ओके, चलो तो अभी इसके बाद विल सी रिमूवल मेथड्स, कॉपिंग मेथड्स कैसे करते हैं फंक्शंस ऑफ लिस्ट। तो क्या करेंगे, जैसे इनको कॉपी करना है तो लिस्ट कॉपी, तो एडिशन लिस्ट कॉपी, कैसे क्रिएट करेंगे, एडिशन लिस्ट डॉट कॉपी, ये देखो कॉपी का भी सेम वैल्यू मिलेगा आपको, और एडिशन लिस्ट जो आपने बनाया उसका भी सेम कॉपी मिलेगा। अच्छा चलो, अभी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का टर्म्स आएगा, उससे पहले सारे फंक्शंस को देख लेंगे। तो अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, अच्छा क्लियर करेंगे अभी, काउंट विल सी एन इंडेक्स, अभी लेट्स से इफ वी राइट इंपोर्ट है ना, अब
a blank number list, even list अगर ले लिया, तो even list में let's say, अच्छा even list नहीं लेके एक natural numbers list ले लिया, numpy से import कर लेते हैं, क्या import करेंगे, random import कर लेते हैं, रैंडम इंपोर्ट कर लेते हैं numpy से, एंड द नंबर लिस्ट को एक ब्लैंक लिस्ट बना दो, और आप चलो कि क्या आप इवन लिस्ट लेना चाहते हो तो इवन लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे, इवन लिस्ट को हटा दे तो विल क्रिएट numpy डॉट एन एरे ऑफ जहाँ पे विल यूज np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, और चॉइस पे विल बी हैविंग एक पर्टिकुलर x जो कि होगा 2, 4, 6, 8 एंड सिंपल सा मेथड दिखा रहे, प्रोबेबिलिटीज ले लेंगे, 5 फंक्शंस है ना, तो 0.2 या कम कर देते हैं 2, 4, 6 ले लेते हैं, तो 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं 0.2, 0.5, 0.4, तो 6 हो गया एंड 0.4, अच्छा कम कर देते हैं 0.3 एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद 0.5, है ना, और साइज आई विल राइट 10x2 या 15 ले लिया, probability is equals to yeah, what's the problem? एक मिनट में, हाँ तो इवन लिस्ट इफ यू लुक, तो इवन लिस्ट में अभी ओनली आई विल बी हैविंग 2, 4 एंड 6, बट ये 2, 4 और 6 रिपीटेड होंगे, है ना, आपने क्या किया, 3 नंबर्स लिया, उनके प्रोबेबिलिटीज सेट कर दिए, अब क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज आपको पता है कि कितनी होनी चाहिए, 1 के इक्वल्स होनी चाहिए, है ना, तो यू हैव रिटन अकॉर्डिंगली, चलो तो इसमें हमें हमारे पास कितने 4, 6 और 2 हैं, इनको काउंट करना हो तो अब इनका लिस्ट इवन लिस्ट है ना, इवन एरे है बेसिकली, ये तो लिस्ट नहीं है, ये इवन एरे है, तो इवन एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो विल गेट अ लिस्ट ऑफ दिस, अब इनमें इफ़ वी वांट टू काउंट हाउ मेनी 2 हाउ मेनी 4 हाउ मेनी 6 आर देयर, तो व्हाट वी कैन डू इज काउंट 2, तो वी हैव 7 2s, ओके, इनको पर्टिकुलरली काउंट करने के लिए वी कैन ब्रिंग फ्रॉम कलेक्शंस इम्पोर्ट काउंटर, काउंटर इम्पोर्ट कर सकते हैं, एंड नाउ वी कैन अप्लाई काउंटर काउंटर को अप्लाई करके वी कैन राइट फ्रॉम इवन ऑफ एरे, है ना, वी कैन रन, तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट 4 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 6 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स, एंड 2 इज फॉर 7 टाइम्स, क्लियर है ये सब पॉइंट सबको, आप पर्टिकुलरली काउंट कर सकते थे कैसे, दैट फॉर आई इन इवन एरे,
print key even array dot count. अच्छा तो आपको क्या दिख रहा है कि सारे का काउंट आपको प्रिंट हो गया, ठीक है। आई आपको क्या काउंट प्रिंट हुआ है कि पहले तो आप आई प्रिंट कर लेना एंड देन उनका काउंट, तो 4 3 times हैं। अब जितनी बार 4 आपको दिखेगा उतनी टाइम्स आपको उसके बिसाइड आपको 3 दिखेगा, है ना। देखो 4 3 है तो हर जगह यू विल गेट 4 3। तो इस तरह का जब काउंट करते हैं तो वी गेट बेसिकली आपको बोलना चाहिए कन्फ्यूजन कि सर वाई वी आर गेटिंग एवरी टाइम 4 एंड एवरी टाइम 3 ओवर देयर, राइट। सो बेस्ट ऑप्शन है यू कैन गो विद द काउंट फंक्शन जो कि लिस्ट का फंक्शन है, और एल्स यू कैन गो विद काउंटर फंक्शन ऑफ कलेक्शंस। तो आप इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, बेसिकली एक डिक्शनरी आपको क्रिएट करके दिया जाता है जहाँ पे यू गेट लाइक पर्टिकुलर एलिमेंट्स कितने टाइम्स रिपीट हुए हैं। समझ गए बात को? एनी डाउट्स? Yeah. No problem. Parshav, Vaishnavi and Vishwanath? No, sir. All right. So, next. Abhi. So, rest of the elements ko dekh lete hain. तो हमारे पास और क्या बचा है, जैसे कि क्लियर है, पॉप है, रिमूव है, रिवर्स एंड सॉर्ट है। चलो अभी रिमूविंग एलिमेंट्स का आया बारी, तो रिमूव कैसे करते हैं एलिमेंट्स चेक कर लेते। तो अभी लेट्स से कि हमारे पास एडिशन लिस्ट कॉपी में से आई वॉन्ट टू रिमूव समथिंग। क्या है एडिशन लिस्ट कॉपी? ये है। तो एडिशन लिस्ट कॉपी में से अगर आई वॉन्ट टू रिमूव एक एलिमेंट एनी वन लेट्स से 0, तो मैंने रिमूव कर दिया। अभी एडिशन लिस्ट कॉपी में कितना बचा है? 5 10 15 and 20, है ना। अभी लेट्स से लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है, तो फ्रॉम द लिस्ट यू हैव एन ऑप्शन। अगर आपको लास्ट एलिमेंट रिमूव करने हैं तो इन द लिस्ट यू हैव एन ऑप्शन टू राइट द फंक्शन पॉप। तो आपने लिखा एडिशन लिस्ट कॉपी डॉट पॉप और ये रिमूव हो गया, है ना। तो ये आपको डिस्प्ले करेगा कि ये रिमूव क्या किया है, तो आप एडिशन में से चेक कर सकते हो। अब 5 15 15 बचा है, 5 10 and 15। नाउ लेट्स से इफ़ यू वांट टू रिमूव अगेन, लाइक क्लियर करना है पूरी तरह से लिस्ट, तो आप लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर लिस्ट डॉट क्लियर। तो एडिशन लिस्ट कॉपी यू विल गेट अ ब्लैंक लिस्ट। अभी लेट्स से अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो विल कैन डिलीट दिस एडिशन लिस्ट कॉपी। तो अगली बार से सजेशन में एडिशन लिस्ट कॉपी नहीं आएगा। देखो अब नहीं आ रहा है, एवरी टाइम आई प्रेस अ टैब आई विल नॉट गेट दिस। इवन लाइक दिस हमने एक बार क्या डिस्प्ले किया, इवन इवन लिस्ट हमारे पास नहीं नीड है, विल डिलीट दिस, विल नॉट टेक ऑल द स्पेसेस ऑफ दिस। ओके चलो ये हो गया। अभी किसी लिस्ट को, जैसे आपके पास एडिशन का लिस्ट बचा हुआ है, आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, आपने रिवर्स फंक्शन लगाया कर दिया, नेक्स्ट टाइम यू कैन जस्ट स्विच टू दिस एंड फाइंड द 20 15 10 5 and 0 वुड बी द आंसर अकॉर्डिंगली दिस। अगर हम लिस्ट में कोई नंबर्स लेते हैं जस्ट रैंडम लिस्ट, तो जैसे हम एक रैंडम लिस्ट क्रिएट करते हैं and I use for I in range of
500 random underscore list dot append I random dot shuffle I. अच्छा रैंडम नहीं आई क्या चलो क्या है ऑब्जेक्ट टाइप इंटीजर हैज नो लेंथ ऑफ एल चलो इसमें से इफ आई राइट लाइक दिस ऐसा नहीं ओके अच्छा एक सेकंड ये तो हो गया सिंपल सा इतना प्रॉब्लम क्यों होता है चलो ठीक है तो मान लो कि ये एक रैंडम लिस्ट है जो कि क्या है लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ सम 50 एलिमेंट्स है या 50 to 70 एलिमेंट्स है रेंज अच्छा चलो रहने दो 50 एलिमेंट्स ही रहने दो है ना तो रैंडम लिस्ट को If I need to shuffle, हमने क्या किया? Shuffle करना है। या random dot shuffle करेंगे किसको? Random list को and run करेंगे। So now when we look to our random list, run करते हैं। So we'll find 41, 48, 10, 25, 41, 46 इस तरह से कुछ numbers रहेंगे जो कि shuffled हैं है ना हमने इनको ऐसा कुछ arrange नहीं किया it automatically gets arranged in their own way है ना अब आप जितनी time इनको run करोगे they will be arranged in a separate way एक अलग ही pattern में generate pattern नहीं बोलना चाहिए there will be no patterns basically है ना so now what to do let's say इनमें से इफ यू वांट टू सॉर्ट दिस लिस्ट अभी इनको लिस्ट है तो लिस्ट ही है ना तो यू वांट टू सॉर्ट दिस तो व्हाट यू विल अप्लाई इज रैंडम डॉट सॉर्ट रैंडम लिस्ट सॉरी एंड आफ्टर दैट रैंडम लिस्ट यू कैन फाइंड तो नाउ इट इज इन द सॉर्टेड वे 0 से लेकर 49 तक होगा तो मैं शुरुआत के 10 ही प्रिंट कर रहा हूँ तो 0 से लेकर 9 तक यू कैन फाइंड द आंसर्स ठीक है तो लिस्ट के सारे मेथड्स क्लियर हैं आई गेस कोई मेथड छूट गया क्या क्लियर कॉपी एक्सटेंड काउंट इंडेक्स इंसर्ट रिमूव रिवर्स सॉर्ट एंड पॉप सारे क्लियर हो गए एनी डाउट्स एनी ऑफ द फंक्शंस पूरा क्लियर है लिस्ट अभी वी हैव नेक्स्ट टपल्स सो पर्टिकुलरली इन टपल्स व्हाट हैपन जैसे इंडेक्सिंग हम लिस्ट में कर लेते हैं अभी इंडेक्सिंग देखा नहीं हमने अब देखेंगे तो इंडेक्सिंग जैसे हम लिस्ट में कर लेते हैं इन टपल्स वी कैन नॉट डू आइटम असाइनमेंट्स आर नॉट अवेलेबल इन टपल और नॉट परमिटेड इन टपल वुड बी बेटर टू से है ना
चल देखते हैं। Okay, so let's say the tuples, if I create my tuple, it can be created in two kinds. My tuple can be created in two kinds. One is, you can just simply write, that is, yeah. Simply inside the parenthesis you can write it. Yes. Like 1, 2, 3. 1, 2, let's say two objects. Single element tuple. You can write like 5 cross something. Any single element. Or you can also write like okay, that will define later. Let's see. So for example, if I see my tuple comma single element tuple, you'll get a value 1, 2, 5 plus nothing. Now if I make tuples like as a convenient way, you know, like to return some multiple values with from some of the functions. So if I create a function here, sum and product, of some tuples, values, having some values, so to return the values of x plus y, and also the value of x multiplied by y, right? So if I define that SP is equals to sum and product of 3 and 2, the respective results would be 3 plus 2, 5, and then 3 multiplied by 2, 6. Similarly, S and P, if I segregate and I write sum and product of 3 and 2, here the results would be 3 plus 2, 5 as the S, and then 3 multiplied by 2, 6 as P. Now if I see the SP, S and P would be having several values as like 5, 6, 5 and 6 respectively. So this is how you can treat with the tuples. Okay. Alright. है ना, चलो तो टपल्स ऐसे ही वर्क करते हैं। क्लियर है इतना अभी तक सबको, जो भी देखा लेस देन टपल्स में, एनी डाउट्स? नहीं है तो विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, है ना, सेट्स देखते हैं फिर। स्टूडेंट्स आज नहीं आए हैं लग रहा, बाद में उनको प्रॉब्लम ना हो तो अच्छी बात है, वीडियो चेक कर लेंगे। तो सेट्स में कितने फंक्शंस हैं हमारे पास? कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स, अच्छा ये तो आपका डिक्शनरी का है, यू नीड टू डिफाइन सेट। सेट्स में बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं आपके, और यू से नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स, है ना, यू राइट इट हैज टू बी नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक्स इज इक्वल्स टू अ सेट, और जैसे मैंने क्रिएट किया माई सेट, हमने दे दिया, ठीक
ठीक है, एंड एक ब्लैंक सेट क्रिएट किया है. तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ माई सेट डॉट एड, अब इफ आई एम एडिंग फाइव माई सेट, अच्छा माई सेट डॉट एड फाइव कर दिया, ठीक है चलो. तो माई सेट में एक वैल्यू है दैट इज फाइव. अभी आई वॉन्ट दैट ये दिस फाइव या रिपीटेटिव एलिमेंट्स लाऊं जो कि एडिशन लिस्ट में थे. इफ यू रिमेंबर ये सारे नंबर्स 20, 15, 10, 5, 0, इन सारे एलिमेंट्स को आई वॉन्ट दैट सेट में ऐड हो जाए. तो आई कैन राइट इन दिस वे दैट माई सेट could be equal to my set plus set of all the elements of addition list. They can see my set as set and set ka, okay no problem. तो ऐड करना है ना, तो जैसे आपने देखा ऐड मेथड है, ऐसे एक साथ बहुत सारे सेट ऐड करने हैं तो अपडेट कर देंगे. तो माय सेट में अभी क्या फॉर्म होने वाला है, नन टाइप हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ अपडेट. अच्छा एक सेकेंड, चलो काम करते हैं. इफ वी सी ये कैसा आया ना, ये तो है. है ना, आई एम राइटिंग लाइक दिस, इतने सारे एलिमेंट्स, एंड लेट्स से इफ आई राइट माय सेट, रन करते हैं. तो माय सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 0, 5, 10, 15, 20, है ना, ओनली इतने एलिमेंट्स आते हैं. ओके चल, तो ये सारे एलिमेंट्स जैसे 20 या 15 या 10 जो सारे थे कहाँ गए, ये सारे ऐड नहीं हो सकते. क्यों, बिकॉज दे आर रिपीटेटिव, है ना, बार बार रिपीट हो रहे तो दे कैनॉट बी एडेड, तो इनको ऐड नहीं किया गया सेट में. ओके, तो इसी तरह देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस फॉर द सेट. जैसे दो नंबर्स ले लिया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग देयर आउटकम्स. कैसे, जैसे ए को ले लिया हमने एक सेट, जिनमें हमने ले लिया, अच्छा सेट ए ले लो of some numbers, जैसे 1, 2, 3, 4. Set B ले लो of some numbers, जैसे 2, 3, 4, 5, ना या 3, 4, 5, 6 ले लेते हैं. अभी we can say in या common elements. Set A and set B. The common elements of set A and set B, कैसे निकालेंगे? We'll use intersection. क्या लिखेंगे?
set A dot intersection of set B, ठीक है. उसके बाद कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी विल फाइंड दैट दीज आर 4 and 3, ठीक है. देन डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, या ऑफ सेट ए विद सेट बी कैसे रहेगा. तो सेट ए का डिफरेंस चाहिए सेट बी के अकॉर्डिंगली, तो क्या लिखेंगे, सेट ए माइनस सेट बी. तो 1 and 2 ए में डिफरेंस है विद 3 विद दी रेस्पेक्टिव सेट बी के साथ. सिमिलरली सेट बी विद सेट ए करना है तो सेट बी माइनस सेट ए करना पड़ेगा. फाइव एंड सिक्स क्लियर है ना. सिमिलरली अगर कंप्लीट सेट में देखना है कि अनकॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, अनकॉमन एलिमेंट्स कितने लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कि सेट ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड अनकॉमन एलिमेंट्स में यू विल फाइंड 1, 2, 5 and 6, ये बोथ सेट्स में से अनकॉमन एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है बोथ द सेट्स, है ना. तो इन सारे कॉमन एलिमेंट्स अनकॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, है ना. इनको इंटरसेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं, लाइक जो भी बेसिक इंटरसेक्शंस के हैं. जैसे अगर आपको सेट के बेसिक फंक्शंस जानने हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही सारे फंक्शंस हैं. जैसे आपने ले लिया माय सेट या सेट ए ही ले लिया आपने, है ना. सेट ए डॉट ही ले लिया आपने, तो जैसे कॉपी क्लियर, तो ये तो सब सेम है लिस्ट के अकॉर्डिंगली, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है. डिस्कार्ड बता दे रहा हूँ, रिमूव पॉप ये देख लेते हैं, ठीक है. तो लेट्स से एक सेट में से इफ यू वांट टू रिमूव एलिमेंट्स, कैसे रिमूव करेंगे एलिमेंट. जैसे हमारे पास एक लिस्ट पड़ा हुआ है, किसका लिस्ट है, रैंडम लिस्ट का. तो विल क्रिएट अ सेट ऑफ रैंडम सेट क्रिएट कर ले, तो उस फंक्शन को यहां लगाकर फिर एक रैंडम सेट बना देते. तो यहाँ पे यू विल सी दैट अब आप रैंडम सेट को जैसे रन करोगे यू विल फाइंड एवरीथिंग इन ऑर्डर. आपने रैंडम रखा,
फिर भी आपने सेट में रखा तो आपको क्या मिला? ऑर्डर। तो एवरीथिंग इन ऑर्डर। अब यहाँ पे आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, 0, 1, 2 सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, ओके तो इसलिए विद द बिगनिंग एडवांटेज ये क्या होता है, ऑर्डर्ड में होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर्स। बट यू विल फाइंड देयर इन द नेट दैट इट्स रिटन दैट द सेट्स आर नॉट ऑर्डर्ड, ओके सेट्स ऑर्डर्ड नहीं होते, यू विल फाइंड दिस। चलो तो व्हाट विल डू इज एक बेसिक सेट क्रिएट करते हैं और उसमें से एलिमेंट्स डिलीट करेंगे। टेन सेट क्रिएट करते हैं, है ना? तो विल सी रैंसेट वैल्यू, या नंबर्स रिपीट हुए हैं तो विल नॉट हैव मिस नंबर्स। 1 से 9 तक नंबर्स आ गए, चलो नाइस गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, 7, 8, 9। एक एलिमेंट रिमूव करना है तो रैंसेट में से यू कैन रिमूव द एलिमेंट डायरेक्टली, लाइक लेट्स से 8, तो रिमूव हो गया। अभी रैंसेट से देखेंगे तो 1 से 9 तक एलिमेंट्स हैं, 6 एंड 8 नहीं है। तो अगर यही सेम एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं डिस्कार्ड के प्रोसेस से, तो फिर भी ये रिमूव हो जा रहा है, हाँ है ना? तो अगर इफ वी आर लुकिंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रिमूव एंड डिस्कार्ड, तो व्हेन वी लुक फॉर द डिफरेंस हमें ये पता चलेगा कि when there is not a element present inside that particular set, jaisa ki ransom mein se if we find that agar if we are removing such an element which is not present in the set, jaise ki let's say 25, to aapko ek error milega, that is key error because that is not present. But the same thing if you are using discard, so you will not get any error. तो डिस्कार्ड क्या करता है कि इट विल रिमूव द एलिमेंट इफ इट इज प्रेजेंट, बट अगर एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इट विल नॉट रेज एन एक्सेप्शन और एन एरर फॉर यू। समझ गया डिफरेंस, है ना? चलो तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा है इसके पास, पॉप। तो पॉप बेसिकली कोई भी एक रैंडम एलिमेंट डिलीट करता है, यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से आपको डिलीशंस मिलेंगे, ठीक है? अभी लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर्स का लिस्ट है, अल्फाबेट्स का लिस्ट है, है ना? कैसे लिस्ट है? एक अल्फाबेट्स का लिस्ट है, कैसे बनेगा वो? ऐसा बना, ये ना सारे एलिमेंट्स आ गए, हमने क्या किया इनको स्प्लिट करना है, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको इनको स्प्लिट कर दूंगा, किससे? स्पेसेस से। तो अल्फाबेट्स लिस्ट में आई विल बी हैविंग ये सारे अल्फाबेट्स, ठीक है, जिनको मैं सॉर्ट करूंगा, तो अल्फाबेट्स लिस्ट का साइज देखने के लिए आई विल यूज लेंथ, तो चेक करेंगे कि वेदर 26 अल्फाबेट्स आर देयर और नॉट, अगर है तो इट्स नाइस। तो उसके बाद विल प्रिंट सम ऑफ द फर्स्ट 10, आई मीन जे तक, तो ए से जे तक अल्फाबेट्स आए, है ना? अब इनको क्या करेंगे, सेट में कन्वर्ट करते हैं एक, कैसे कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ये कैसे बनेगा, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है?
चलो ये तो बन गया. अब फ्रॉम हेयर लेट्स से कि नाउ आई विल बी टेकिंग सम पार्ट. जैसे हम ले लिए वॉवेल्स का सेट, तो वॉवेल्स का सेट क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू. तो अभी आई वॉन्ट टू चेक whether this vowel set is present in the set of alphabet or not. तो हमको देखना है कि vowels का set is a subset of set of alphabets. है कि नहीं? True. Because vowels के अंदर जितने elements present हैं, ये सारे elements set of alpha में भी present हैं. तो vowels एक छोटा set है जो कि set of alphabets का subset है. सारे एलिमेंट्स ऑफ वॉवेल्स सेट के सारे प्रेजेंट हैं सेट ऑफ अल्फाबेट्स में. अब इसको सुपर सेट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो सेट ऑफ अल्फा के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं क्या उनमें से कुछ भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वॉवेल सेट में, तो दैट विल फाइंड इट एज सेट ऑफ अल्फाबेट्स इज सुपर सेट ऑफ वॉवेल्स. आपको मिला ट्रू रिजल्ट. समझ गए बात? तो इस तरह से इट वर्क्स. क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस क्लास? क्लियर है ना? चल, विल मीट टुमारो.